ओम शांति। आज 5 जुलाई 2024 का प्यारे बाबा का आज का ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। आज हम सभी बच्चों को बाबा क्या क्या शिक्षा देते हैं, इसे धारण करेंगे। बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से ही तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। मीठे बच्चे, याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, इसलिए आत्मा सतो प्रधान तुम्हारी बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देना, हर कर्म करते हुए याद में रहना। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार एक परमात्मा बाप से है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा दे रहे हैं, यदि एक परमात्मा बाप से प्यार है तो परमात्मा बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। यदि एक बाप एक परमात्मा बाप से प्यार है तो उसकी बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। दूसरी मुख्य पॉइंट है, वे पूरा पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरा, उन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ जाएगा, वह और किसी के प्यार में नहीं फंस सकते। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। अगला पॉइंट है, उनकी बुद्धि झूठखंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार कर देते हैं, ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। सतयुग में भी तुम बच्चे आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हो। तो बाबा संगम युग में कहते हैं, एक जन्म अंतिम समय में एक बाबा से बेहद प्यार रखना, अर्थात इस झूठ खंड से कोई भी किसी से भी प्यार ना हो। बाबा कह रहे हैं ऐसा प्यार हमारा भगवान बाप से होना चाहिए, है ना। ऐसा ऐसा अटेंशन हमें रख करके, विशेष अटेंशन रख करके हमें बाबा से ही प्यार करना चाहिए, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करना चाहिए। ध्यान सभी का रखना है, लेकिन दिल का प्यार एक दिलाराम बाबा से हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी भी मुंझना नहीं है। आत्मा को चार्ज करना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी भी मुंझना नहीं है। बहुत सारे भाई बहने कंफ्यूज होते हैं, कैसे हम याद करेंगे, किस विधि से याद करेंगे शिव बाबा को। बहुत सहज विधि है, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। टीचर जैसे हर एक को पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें पढ़ करके अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है।
जैसे बाबा का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी प्यार, सच्चा अविनाशी प्यार रखना है, मोहजीत बनना है। किसी से भी बाबा कहते हैं मोह नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा विकार है। सभी से अविनाशी प्यार होना चाहिए, शिव बाबा के समान। जैसे हर एक आत्मा उसे बाबा रखते हैं, ऐसे हमें भी रखना है। आज सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाये हुए श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अनुभव करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कभी श्रेष्ठ बाबा के नैनों में समाये हुए बिंदु समझना है, कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि समझना है, कभी ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड पूजा समझना है, और बाबा कहते कभी फरिश्ता अनुभव करना है। तो ऐसा शक्तिशाली, जब ऐसा बार बार अनुभव करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व की दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। दुआएं प्राप्त करने का आधार है सर्व को परमात्मा स्नेह देना, ईश्वरीय आज्ञा पर चलना। बाबा बोले हैं सर्व की दुआएं लेते चलना है, तो बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम।